so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need. Hi everyone, namaste and good morning. So आज मैं start करने वाली हूँ new vlog. So basically कल होली थी, कल मैंने सोचा था vlog करने का but मैंने vlog नहीं किया क्योंकि as such हम लोगों ने कुछ भी होली पे special नहीं किया था. नॉर्मली हम लोग घर के अंदर ही थे और हमारे जो नेबर्स हैं उन लोगों ने हमारे जो फ्रेंड्स कम नेबर्स हैं उन लोगों ने हमको मस्त पूरन पोई और जो वो होते हैं ना मूंग बड़े होते हैं, मूंग के भजिए होते हैं, वो मूंग के बड़े बोलते हैं हम लोग तो बड़े बड़े जो भी है और कुछ लोग मूंग के भजिए बोलते होंगे तो वो हमको दिए थे. बहुत ही यमी थे वो खाए, बस खाया पिया घर के अंदर ही थे, इन्जॉय किया. दैट्स इट, ऐसी सिंपल होली बनाई है ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ हेल्पर नहीं आ रही है. अभी वो 3-4 दिन बाद आना स्टार्ट करेगी, कुछ कहीं छुट्टी पे गई है वो, तो अभी सारे काम मैं ही कर रही हूँ तो थोड़ा स्लो चलता है. आज हम लोग सोच रहे हैं लंच में बनाने का बेसन के चीले, बिकॉज डेली ना रोटी खा के तो मैं बहुत बोर हो गई हूँ. समर्स में ये वाली धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब ये पूरा एकदम गर्म हो चुका है, एकदम गर्म भपका टाइप का. अब हुआ नॉर्मल हुआ ना, तो ये विंडो तो मैं हम खुला ही रखते हैं क्योंकि मुंबई में ना ऐसे ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ऐसे नॉर्मली बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती छांव आती है तो क्योंकि ऊपर का है ना तो दिन भर ही थोड़ी थोड़ी हवा तो अच्छी आती ही रहती है, तो ये वाला गेट ओपन रहता है तो ऊपर से और ये क्रॉस वेंटिलेट होता रहता है ना तो अच्छी हवा आती है. मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बैठ नहीं सकते हो, फिलहाल तो भी बैठ सकते हो, है गर्मी बट बैठ सकते हो, वैसा वाला सीन है, समझ गए ना आप लोग. तो यहाँ पर सारे बर्तन सूख रहे हैं, इनको उठा करके जमाना स्टार्ट कर देती हूँ. तो ये एक्चुअली वो डब्बा है जो हमको हमारे नेबर से मैंने ना होली के दिन भेजा था. तो आप लोग यहाँ पे भी ऐसा करते हो कि आप लोग कि अगर किसी ने कुछ डब्बा भेजा है, कुछ खाने की चीज़ भेजी, जब उसको रिटर्न में देते हो तो खाली डब्बा नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ उसमें भर के दिया जाता है. पर ये एक बहुत अच्छा रिचुअल है, तो अब मैं जब कुछ बनाऊंगी तब मैं इसमें भर करके उनको ये डब्बा वापस दूंगी. तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ बटर गार्लिक ब्रेड. सो बेसिकली ये बटर मैंने लिया हुआ है एंड होल व्हीट जो ब्रेड होती है वो ली है, एंड इस बटर में मैंने जो गार्लिक मिक्सिंग आती है, इस तरह का स्प्रेड आता है, वो मैंने मिक्स किया हुआ है एंड बस ब्रेड पे इस तरह से लगा करके उसको नॉर्मली सेक देना है. दैट्स इट. काफ़ी टेस्टी भी लगता है बाय द वे, ये बनने के बाद एकदम ऐसे गार्लिक ब्रेड का टेस्ट आता है इस पे. तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बेसन चीला, द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी. तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया, आई थिंक सबको पता होगा बट मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं बता दे रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है एंड अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी एंड इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं रहने देना है, तब तक मैं इसको विस्क करती रहूँगी. मैंने इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली रखी है एंड यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा सा गरम मसाला जस्ट फॉर द चटपटा टेस्ट के लिए, एंड यहाँ पर मैं रॉक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड साथ ही साथ थोड़ा सा काला नमक मैंने ऐड किया था. तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसके साथ मैं यहाँ पर इसमें थोड़े से अनियंस, टमाटो, आप जो चाहें वो सब ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची, मतलब मैंने लाल मिर्ची ऐड नहीं करी है, मैं ग्रीन चिलीज़ ही खा रही हूँ आजकल, और उसके बाद थोड़ा सा अदरक भी मैंने ऐड कर लिया है एंड आप थोड़ा सा धनिया
ऐड कर लीजिए, तो जितनी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो उतनी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और मैंने बिल्कुल बारीक इसको एकदम चॉप कर लिया है चॉपर की हेल्प से, ताकि वो इसके अंदर है ना मिक्स अच्छे से हो जाए और जब हम उसको बनाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड देन नॉर्मली आपको पैन ले लेना है, एंड यहाँ पर मैंने हल्का सा सीजनिंग कर दिया है ऑयल से, एंड जिस तरह से आप डोसा बनाते हो वैसे एकदम परफेक्ट शेप में तो मेरा नहीं बनता है, बट हाँ जैसे भी बनता है मज़ा आता है खाने में और काफ़ी फटाफट भी बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर आपको रोटी से और पराठे से कुछ हटके खाना है सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो क्योंकि ये जो चीला होता है बेसन चीला है, गरम गरम खाने में ही अच्छा लगता है, तो अभी मैं फटाफट साथ के साथ खाती भी जाऊंगी, बनाती भी रहूंगी और खुद ही बैठ करके खाती भी रहूंगी। तो आई एम वेयरिंग दिस टुडे, दिस टी शर्ट एंड दिस शॉर्ट्स। तो ये जो क्यूटी वाला शॉर्ट्स है ये मैंने मंगवाया था मैक से, ये जो टी शर्ट है ये मैं आज फर्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ, दिस इज़ फ्रॉम ज़िवामे, इसका हॉल जल्दी आएगा। आजकल ये पर्पल कलर काफ़ी इन है, बहुत ज़्यादा इन है। तो लॉट ऑफ यू आस्क मी सेवरल टाइम्स, मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आता है कि आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आपका रियल स्किन केयर रूटीन क्या है, विदाउट स्पॉन्सर्ड या विदाउट एनी कोलैबोरेशन आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। तो अभी आपने सुबह देख लिया, सुबह मैं सिर्फ नॉर्मल फेस वॉश करती हूँ, जो मॉम्स को का डे क्रीम है अमेजिंग, मॉम्स को के प्रोडक्ट मैं बहुत प्रमोट नहीं करती हूँ, बट वो भी जो भी आए हैं मुझे वो ब्रांड के थ्रू ही आए हैं, तो उनका जो डे क्रीम है मैं वो लगाती हूँ सुबह। क्यों? क्योंकि उसमें SPF मिला हुआ है तो मुझे अलग से सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं रहती, बहुत लाइट वेट है, लगता ही नहीं है कि मैंने स्किन पे कुछ लगाया है, एंड इनफैक्ट उसके अंदर ना कुछ टिंट मिला हुआ है जिसकी वजह से स्किन काफ़ी ग्लोई लगती है। तो समटाइम्स मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ तो मैं उसको लगा के ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, तो फर्स्ट जो सबसे पहले उठती हूँ मैं उसी को लगाती हूँ, क्योंकि कुकिंग वगैरह करना रहता है तो SPF भी स्किन पे लगा रहता है। सेकंड, अब मेरा शार्लेट डाइम मैं आपको बताती हूँ। यू आर इन माय वॉशरूम, तो यहाँ पर मेरा एक फेस वॉश रखा हुआ है प्लम का, ये भी मुझे प्लम के कोलैबोरेशन के थ्रू आया था, एंड ये फेस वॉश मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने अपने खुद के पैसों से भी दो बार मंगवा चुकी हूँ। तो ये क्योंकि इसमें ना स्क्रबर टाइप का भी है और बहुत जेंटल स्क्रब हो जाता है, जेंटली स्क्रब होता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ, या तो अदरवाइज मैं ये जो मुल्तानी मिट्टी फॉरेस्ट एसेंशियल का उत्तन है पाउडर है वो यूज़ करती हूँ, पैक समटाइम्स मैं ये नीम फेस पैक लगाती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दो फेस वॉश रखे हुए हैं, एक तो ये मामा अर्थ का माइसेला वाटर है एंड दूसरा ये टी ट्री है। ऑल्दो दिस इज़ अ नॉर्मल फेस वॉश बट स्टिल ये बहुत अच्छे से मेकअप को रिमूव करता है, तो जब भी मैं मेकअप लगा रही होती हूँ या मेरे को शूट करना होता है या समटाइम्स ऐसी नॉर्मली मुझे लगता है कि कुछ हैवीनेस लग रही है मेरे स्किन पे, आई यूज़ दीज टू फेस वॉशेज, दैट्स इट। मेरे पास फेस वॉशेज में यही सारी चीज़ें हैं, एंड मैं पर्सनली फेस वॉश खरीदती भी नहीं हूँ क्योंकि ब्रांड्स के थ्रू मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो अब क्योंकि मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ तो मैं अब जो फेस वॉश करूँगी वो मैं उपटन वाला जो फॉरेस्ट एसेंशियल वाला है ना वो दिन भर में एक बार लगाती हूँ। लेट मी शो यू, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। ये है मेरा टोनर, तो या तो मैं ये लगाती हूँ या फिर मैं जो प्लम का टोनर है वो यूज़ करती हूँ, एंड अगर ये दोनों में से भी मुझे कुछ यूज़ नहीं करना होता है तो फिर मैं सिंपली ये जो कामागर रोज़ वाटर है ये स्प्रिंकल कर लेती हूँ। बट क्योंकि अभी मुझे एक एक्ने हुआ था तो इसको क्लेंज करने के लिए, मतलब अपनी स्किन को वापस से क्लीन करने के लिए मैं अगेन ये सारे क्लैरिफाइंग टोनर और ये सब यूज़ करने लगती हूँ, एंड जब मेरी स्किन नॉर्मल हो जाती है क्लीन हो जाती है तब मैं अगेन फिर बिल्कुल लाइट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। स्किन केयर में जो सेकेंड प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ शार लेने के बाद वो मैं ये बॉडी शॉप का ड्रॉप्स ऑफ यूथ यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये मैंने अपने अमेजन हॉल में बताया था जब मैंने ये परचेस किया था। और ये जो अपना टिंटेड लिप बाम है ये, अब मैं बैठूंगी एडिटिंग करने के लिए, तो मुझे एक प्रॉपर वाली वीडियो की एडिटिंग करनी है। और दूसरा जो मैंने, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, वैसे तो सबने नोटिस कर लिया होगा बट अगर नहीं नोटिस किया होगा तो मैंने जो अपना इंट्रो है वो चेंज किया है और बहुत ही क्यूट सा क्रिएटिव सा इंट्रो बनाया है। तो उसमें मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन आया था मेरे ही सब्सक्राइबर के थ्रू, उन्होंने मुझे ये बोला जैसे अभी क्या हो रहा है ना 1 2 3 4 चार अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग एंड रूट जो भी आ रहा है, चार चीज़ें आ रही हैं शॉपिंग हॉल, तो जब जिस टॉपिक का वीडियो हो उस वाली
वाली जो स्क्रीन है वो बड़ी होकर के पॉप अप हो जाए एंड देन फिर उसके आगे जो मैंने कंटिन्यू किया वैसा कंटिन्यू करूँ. एंड आई रियली लाइक दैट आइडिया कि हाँ सपोज जैसे अगर मैंने शॉपिंग हॉल डालना है तो वो चार तो आएगी आएगी फिर एक बाहर आ जाएगी एंड देन इस तरह से. तो आज वो पहले तो मैं मेन ब्रांड वीडियो जो है वो एडिट करके ब्रांड को दे दूँगी ताकि एक टेंशन खत्म हो जाए और उसके बाद फिर मैं ये स्टार्ट करूँगी अपना जो एडिटिंग है वो करना. एंड ऑल्सो आई गॉट अ न्यू कवर फॉर माई MacBook Pro. तो काफ़ी क्यूट सा कवर है एंड अगर आप नोटिस करोगे तो ये मेरे पूरे थीम से मैच होता हुआ है. और जो मैंने ये नई बेडशीट बिछा ली है एक्चुअली ये नई नहीं है काफ़ी पुरानी है भोपाल से ही लेकर के आई थी मैं लोकल मार्केट से 4:45. एंड साथ ही साथ ये वाला एरिया थोड़ा सा सॉर्ट आउट करूँगी. देखिए कैसा हो रखा है. कुछ जो लिपस्टिक्स है जो मैं नहीं यूज़ करती हूँ उनको निकाल दूँगी बिकॉज काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हो चुकी हैं जमा और जो कि मैं इतना यूज़ भी नहीं करती हूँ इतनी सारी लिपस्टिक्स. तो उनको ही हटाएंगे. जब से ये आए हैं आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग दिस ओनली अंडर अनलेस मुझे लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक का इफेक्ट नहीं चाहिए होता है मैं यही यूज़ कर रही हूँ. दीज अप आई एम श्योर इनमें से काफ़ी सारी ऐसी लिपस्टिक्स भी होंगी जो अब एक्सपायर हो चुकी होंगी तो उनको भी मुझे निकालना है. एक्सपायरी डेट जिसकी आ चुकी है उसको हटाना है मतलब. एंड अनदर डिसअपॉइंटमेंट इज़ कि ये जो स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक्स हैं ये इतनी एक्सपेंसिव लिपस्टिक हैं एंड ये लिटरली ड्राई होना स्टार्ट हो चुकी हैं. तो मैंने यहाँ पर मैक के जो ड्राई लिपस्टिक्स हैं मेरे पास चार ही हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं. देन यहाँ पर कुछ स्मैश बॉक्स एंड कलर बार के लिपस्टिक्स हैं. देन यहाँ पर कुछ ऐसे लिपस्टिक्स हैं जो मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ और बस मैंने इतने ही लिपस्टिक रख के रखे हुए हैं बिकॉज मैं सारी लिपस्टिक्स तो डेफिनेटली यूज़ नहीं करती हूँ. दीज आर द लिपस्टिक्स जो मैं रखने वाली हूँ. एंड ये बाकी की जितनी भी लिपस्टिक हैं कुछ तो ऐसा है जो मुझे मेरी मम्मी को देनी है उन्होंने काफ़ी टाइम से मांग के रखी है. जैसे ये स्टूडियो वैक्स का एकदम नया शेड है ये मुझे फ्री आया था किसी चीज़ के साथ तो मैंने यूज़ नहीं किया है तो ये मैं अपनी मम्मी को दे दूँगी. और भी कुछ लिपस्टिक हैं जो एक्सपायर हो चुकी है वो तो मतलब फेंकना है किसी को भी रिएक्शन हो सकता है उन लिपस्टिक से. ये सब लिपस्टिक महंगे महंगे ड्राई हो गए कलर पॉप वलर पॉप ये सब ड्राई हो गया ये तो बिल्कुल ही सब ड्राई हो गए. तो ठीक है बस मैं इतने ही रखती हूँ इनकी. हाँ इतनी लिपस्टिक से भी मेरा काम हो सकता है और अब मैं बिल्कुल नई लिपस्टिक्स नहीं खरीदने वाली हूँ अंटर अनलेस मुझे लगे ना कि हाँ अब मुझे नीड है इसकी. कोई शेड मेरा ख़त्म हो चुका है जैसे ये मेरा शुगर का शेड जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है थोड़े दिन और चलेगा ये ख़त्म हो जाएगा. मैं सबसे ज़्यादा लगाती हूँ इसको. एंड दूसरा जो मैं सबसे ज़्यादा न्यूड शेड लगाती हूँ वो लगाती हूँ कहाँ गया ये रहा वेट एंड वाइल्ड का एक तो ये शेड लगाती हूँ न्यूड का और दूसरा मैं जो न्यूड शेड लगाती हूँ वो ये नायका का न्यूड शेड लगाती हूँ. दीज आर माई परफेक्ट शेड जो मेरे स्किन पे जाते हैं. बाकी ये सब ठीक है ऐसे टाइम पास वाले शेड्स हैं. मैंने लिपस्टिक तो सब डीक्लटर कर दी है. मैंने अभी अपने ब्रशेस का जो पैकेट है वो ओपन किया है एंड उसमें से ये ब्रश निकला है. ये ब्रश मैक का 196 है. मैं अभी गूगल कर रही थी कि अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है. मैंने ये आई थिंक इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 कुछ का ही ख़रीदा था और अभी भी ये इंडिया में 3100 रुपये का मिलता है. एंड सच बता रही हूँ जब मैं ये लेकर के आई थी ना और है ना जब हम ये मेरा फर्स्ट मैक का प्रोडक्ट था और हम जब बाहर गए थे फर्स्ट टाइम मैं आउट ऑफ इंडिया गई थी तो एयरपोर्ट पे विक्की ने लास्ट में पूछा हमारे थोड़े से पैसे बच गए थे जो हमने सोचा कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे उसमें हमारा पैसा डिडक्ट ही होगा इससे बेटर है कि हम कुछ खरीद लेते हैं वहीं पर. तो विक्की ने पूछा क्या चाहिए तो जैसे ही मुझे मैक देखा मैंने बोला मुझे मैक का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसने बोला ठीक है ले लो. लिटरली उसने मुझे बोला था कि कोई लिपस्टिक ले लो कोई कॉम्पैक्ट ले लो कोई फाउंडेशन ले लो. मैं इतनी बुद्धू थी उस टाइम पे मैंने क्या जिद करा कि नहीं मुझे तो ये फाउंडेशन ब्रश चाहिए. मतलब यार मुझे इतना रिग्रेट होता है कि और ये सच बता रही हूँ कि मैं किसी को देने का मुझे मन भी नहीं करता. ये इतना महंगा एक्सपेंसिव परचेस बाली की निशानी है. कहानी यहाँ पर आकर के नहीं रुकी. उसके बाद फिर मैंने ये रियल टेक्निक का 2600 या 2700 या 2100 है मुझे याद भी नहीं है बट हाँ 2000 के ऊपर की रेंज का था ये. फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन ब्रश एक और ख़रीदा. क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड ही नहीं थी कि मेरे फेस पर जिस तरह से फाउंडेशन दिख रहा था. तो मैंने ये पैक का ब्रश ख़रीदा जो कि है 265 एंड ये आई थिंक 800 रुपए का कुछ का था. फिर मेरा मन नहीं भरा मैंने फिर से रियल टेक्निक का ये पाउडर ब्रश ब्लश ब्रश खरीदा और ये वाला भी महंगा था 1100-1200 रुपए का था. फिर मेरा और मन नहीं भरा तो मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का एक और ब्रश खरीदा. फिर मेरा फिर से मन नहीं भरा तो मैंने ये फिर से एक और ब्रश खरीदा और बाप रे बाप फिर मैं ब्रश खरीदती गई. इन ब्रशेस का सबका प्राइस मिला करके आराम से 15000 है. ये 15000 के ब्रश हैं. मुझे अब ऐसा लगता है कि तब तो गोल्ड भी इतना सस्ता होता था तब तो कहाँ इन्वेस्टमेंट पे अपन देखते ही ध्यान ही नहीं देते थे कि हाँ सेविंग टाइप की भी कोई चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए फ्यूचर के लिए. 15000 में तो ना 2 ग्राम की चीज़ आ जाती दो ग्राम की तो आराम से सॉलिड गोल्ड का कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है ना 18 या 22 कैरेट में. तब तो गोल्ड भी सस्ता था 27 चल रहा था जब मेरी शादी हुई थी गोल्ड.
सो आई एम जस्ट कीपिंग ऑल द कर्टन्स. ये जो हमारा बॉक्स है ना, इसमें सारे कर्टन्स, कुशन कवर्स ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं. बहुत सारे कर्टन्स हैं तो, और ये थोड़ा खाली है. ये हमने पॉली बैग्स रख के रखे हुए हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बबल रैप करना हो या कोई ऐसी कांच की चीज़ जो मैं इसमें रखती हूँ डेकोरेशन वाली, वो सब मैं इसमें रखती हूँ. एंड यहाँ पर अब मैं सारे जो भी कर्टन्स मैंने अभी निकाले थे, और ये थ्रो है, इसको मैं सिर्फ ऊपर रखूँगी क्योंकि मैं या तो ये वाले थ्रो बिछाती हूँ, और या तो फिर जो अभी ये एक और आप थ्रो देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थ्रोज हैं, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ. एंड अभी हम सिर्फ जो कर्टन्स हैं वो अंदर रख देते हैं. तो ओके गाइस, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले मुझे दो तीन बातें आप लोगों से करनी है. बहुत अच्छी यू नो बर्ड्स की चहचहाहट वाली आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं मेरे बैकग्राउंड में. Being on a public platform, I knew this thing. हाँ, मुझे negative comments भी आएंगे, उनको मुझे ignore भी करना रहेगा, positive comments भी आएंगे, सब तरह के comments आएंगे, but touch wood, I am lucky enough कि मेरे पास बहुत कम negative comments आते हैं. ऐसे negative comments नहीं आते हैं, और आज से डेढ़ साल पहले तो आप शायद ये मान के चलो कि पहले मेरे पास नेगेटिव कमेंट आ भी जाते थे तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इंस्टाग्राम पे लगा देती थी, इस पर रिप्लाई करती थी, उनको भी बजाती थी, एंड समटाइम्स वीडियो में भी ये चीज़ें बोल देती थी. बट ये तो मैंने कभी भी नहीं किया है कि एक नेगेटिव कमेंट पे एक दो तीन चार दस पंद्रह जितने भी आए उसके ऊपर एक पूरा पूरा उठा करके वीडियो डाल दो. अगर मैं ऐसा करना चाहूँ भी ना, तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई जो मेरे बैक बोन्स हैं, जैसे विक्की हो गया, मेरे पेरेंट्स हो गए, लोग मुझे समझाते रहते हैं ये सब क्या है फालतू, तुम पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो ना. एंड पिछले डेढ़ साल से मैं इस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ. नॉट ओनली आई एम जस्ट सेइंग कि अरे नहीं नहीं पॉजिटिव, बट आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इट इन माई लाइफ एज वेल. तो आपने देखा होगा डेढ़ साल से, मतलब मैं नहीं ये सब नेगेटिव वालों चीज़ों पे तो मैं बिल्कुल इग्नोर मारती हूँ. मुझे अगर लगता है कि किसी ने ज़्यादा बदतमीजी वाली कमेंट कर दी है तो मैं उसी के नीचे उसको कमेंट कर देती हूँ. तो अभी क्या हुआ ना, जैसे जब मेरा आइकिया का वीडियो डाला था तो मेरे पास लिटरली एक लेडी है जिसका नाम मुझे, मेरे पास अभी भी उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट तो तुरंत लेके रखती हूँ. तो उसने बहुत ही ऊट पटांग उलझलूल कमेंट किया था, और उससे मिलते जुलते मेरे पास कम से कम 10 से 12 कमेंट्स आए ही होंगे, और बहुत ही पर्सनल उस पर जाके अटैक किया गया था, फाइनेंशियल एंड पर्सनल मैटर पे अटैक किया गया था. तो मुझे बहुत ही अजीब लगा था वो, बट फिर भी मैंने पहले सोचा कि मैं बनाऊँ मैं बोलूँ इस चीज़ को, बट फिर आई थॉट कि लेट इट बी, छोड़ो भाड़ में जाने दो, क्या करना है. अगर एक दो कमेंट ऐसे आए भी हैं तो आई हैव 90% ऑफ द पीपल जो काफ़ी पॉजिटिव हैं. तो अब मैं ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू लिटरली वेस्ट माई टाइम एंड वेस्ट माई एनर्जी इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स. यू नो आफ्टर लॉकडाउन आई लिटरली डोंट एन्जॉय वॉचिंग एनी काइंड ऑफ अ नेगेटिव वीडियोज, या जो नेगेटिव वीडियोज पे रिएक्शन वीडियोज बनाते हैं ना, एक ट्रेंड चला था कि रिप्लाइंग ऑन माई नेगेटिव कॉमेंट्स, इस तरह के कोई भी वीडियो को मैं नहीं देखती हूँ. क्योंकि यार आप थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए आए हो, यहाँ पर चाचीगिरी करने के लिए थोड़ी ना आए हो कि है ना, तो वो सब चलो हटाओ. तो एक छोटा सा मैं आप लोगों से एक चीज़ बताती हूँ. देखो, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, वो इसलिए सब्सक्राइब करके रखा है बिकॉज कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ मेरी पसंद आई होगी डेफिनेटली, या तो मेरा मेकओवर पसंद आया होगा, या मेरा DIY पसंद आया होगा, किसी को मेरे हेयर रिलेटेड चीज़ें पसंद आई होगी, किसी को मेरे व्लॉग्स पसंद आए होंगे, किसी को मैं ओवरऑल बहुत पसंद आई होगी, है ना. अच्छा, कुछ देख करके आपने ऑब्वियसली एक चैनल को सब्सक्राइब किया है जहाँ पर इतने सारे कॉन्टेंट अवेलेबल हैं, तो उनमें से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कुछ सोच के किया होगा, राइट. तो ये तो आपको पता चली क्या होगा कि मैं मिक्स्ड कंटेंट डालती हूँ. कुछ टाइम से देख रही हूँ जैसे मीशो के वीडियो में डालते हैं, तो जो लोग, देखो मुझे पता है कि कौन लोग मेरे वीडियोस पे रेगुलरली कमेंट करते हैं. आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, जब भी आप किसी वीडियो पे कमेंट करते हैं ना, उसको अगर मैं क्लिक भी करती हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि आपने मेरे चैनल पे कितने कमेंट्स करे हैं, 14, 15, 12, 2, 1, 3, और वो कमेंट्स क्या करें, किस वीडियो पे करें, वो भी मेरे पास डिटेल्स आ जाती हैं. करते हैं ये वो लोग होते हैं जो मेरे चैनल पे रेगुलरली कमेंट्स नहीं करते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही करते हैं. नेगेटिव कमेंट में भी इनका हमेशा यही रहता है कि आप मीशो वीडियो क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना, मुझे समझ नहीं आता मीशो और मामाअर्थ के लिए इतना बवाल किस चीज़ के लिए है, क्या ये ब्रांड्स किसी को हार्म कर रहे हैं. देखो यार, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वी आर नॉट यू नो सिटिंग है फॉर फ्री. एक टाइम था जब हमने एक्चुअली में बहुत फ्री में काम किया है, तो यही मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग है. तो अगर कोई ऐसा ब्रांड कर रहा है जिससे किसी को कोई हार्म नहीं होता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है. एंड रही बात मीशो के साथ, तो मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, जो एज अ ब्रांड मुझे वो बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि उन हार्डली ऐसे कोई ब्रांड्स होते होंगे कि जो आपको पैसा भी दे रहे हैं और उसके बाद अपनी भजवा भी रहे हैं. भजवा भी इन द सेंस मीन्स वो कभी मुझे ये नहीं बोलते हैं कि मैडम आप ये लाइन रिमूव करिए, या आपने ऐसा क्यों बोला है मीशो के लिए, या आपने ये क्यों करा है. तो फर्स्ट रीज़न तो ये कि मैं उन लोगों के साथ इसलिए काम करना पसंद करती हूँ. है
हैसल फ्री ब्रांड है, पैसों के लिए चिक चिक पिच पिच नहीं करना पड़ता है. इट्स अप टू यू. मैं किसी को घर से जबरदस्ती आपका मोबाइल छीन करके ये तो नहीं बोल रही हूँ कि आप इस वीडियो को देखो. इट्स अप टू यू, आपको देखना है, देखिए आपको लगता है कि आपके लिए शायद यूजफुल हो सकता है. बहुत सारे लोग हैं जो उस वीडियो को एंजॉय करते हैं. बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में ना बवाल और थोड़ा वो करने से बेटर अपने आप को काम डाउन करिए, गहरी सांस लिया करिए. एंड इतना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, है ना. यू हैव एन ऑप्शन टू नॉट टू वॉच इट एंड टू स्किप दैट पार्ट इफ आई एम इंटीग्रेटिंग एनी ब्रांड कोलैबोरेशन इन एनी ऑफ द वीडियो, है ना. सो बस मुझे यही बोलना था. और अब शाम हो चुकी है एंड शाम का मैं बाहर का मंजर बताती हूँ आपको. लुक एट दिस, काफ़ी शांति है अभी क्योंकि अब शाम हो गई है और अंधेरा हो गया है, तो ये वाली लाइट जला लेते हैं. So I'm done with my dinner and now I'm enjoying Tanu Weds Manu Part 1. तो अभी विक्की भी थोड़ा काम कर रहा है ऑफिस का भी. एक्चुअली मार्च चल रहा है ना, तो मार्च में तो भाई लगी पड़ी रहती है लोगों की. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. सो एट नाइट या तो मैं ये लगाती हूँ, लाइक दिस इज़ द ऑप्शन, बॉडी शॉप का द ड्रॉप्स ऑफ यूथ. एंड इसके अलावा जो मुझे दूसरा इसके टक्कर का कोई पसंद है तो वो मुझे ये पसंद है, प्लम का दिस ग्रीन टी क्लैरिटी नाइट जेल. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस वन देन यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन. ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.